हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और अच्छे से ठंडियों का मज़ा लेते होंगे। लेकिन अपना अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि कोरोना का नया वेरियंट आ गया है, इसलिए बहुत जल्दी केस बढ़ रहे हैं। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी इन योर होम। अच्छे से रहिए अपने घर पे। चलिए अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। मेरी भतीजी आने वाली है, उसका हस्बैंड, भतीजी, बच्चे, मेरे जिठानी सब आने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी आज पोछा नहीं लगाएंगे, आज फटाफट झाड़ू कर देंगे क्योंकि हम लेट उठे सो के, तो उसका देखा मिस कॉल था तो फिर कॉल किया। अब वो आएगी तो फटाफट हम अपना काम करें झाड़ू करके। एक तरफ दाल चढ़ा दिया है, चावल भिगो दिया है, सब्जी काटने जा रहे हैं। सब्जी में देखा तो फ्लावर ही है तो चलो अभी फ्लावर ही बना देते हैं, शाम को देखा जाएगा क्या करना है, अभी का अभी कर देते हैं। तो आज का मेन्यू में हम दाल चावल, मतलब तड़के वाली दाल, जीरा राइस, फिर मसाला वाली सूखी सूखी आलू और फूल गोभी की सब्जी मटर डाल के, और फिर पूड़ी जो बोलेंगे वो लोग पूड़ी गरम गरम बना देंगे, या पूड़ी या पराठा या फिर रोटी जो बोलेंगे ये लोग, घी वाली रोटी वो बना देंगे, और सलाद, चटनी और पापड़, ये सब इतना आइटम रहेगा। चलिए मिलते हैं चाय पीते पीते। वहाँ तो टीवी चालू है, इसी वजह से वहाँ हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड का शेयर मार्केट का चालू कर लेते हैं, तो बार बार म्यूट करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम वहाँ नहीं दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद। बेटा को उठे हैं, सो रहा है, हमने जाओ जल्दी बेटा, दूध वगैरह लेके आना है, दूध लाओ, कुछ कुछ सामान है मंगा लेते हैं उससे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए फ्रेंड, हम नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए हैं और मेरे यहाँ दाल तड़का बन गया है, सब्जी बन गया है। अभी मेरे हस्बैंड काम से नीचे गए हैं, उनको भी नाश्ता करा के भेजें, जीरा राइस गरम गरम बनाएंगे, धनिया की चटनी बनाना बाकी है, सलाद बनाना बाकी है, वो तो वो लोग आएंगे तब बनाएंगे। मतलब पहले मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेज दें, उसके बाद तो दिखाते हैं अभी दो चीज़ जो बना है वो क्या बना है, दाल तड़का और सब्जी बना है। देखिए मेरा दाल तड़का बन गया है, ये मेरा अभी फ्लावर ही है, तो फ्लावर, आलू, मटर, टमाटर की सब्जी बना दिए हैं, ये धनिया है, इसका चटनी बनाएंगे, ये सलाद बनाएंगे और ये और ले लेंगे बाद में, ये चावल वॉश करके रख दिए हैं, आटा थोड़ा सा और माड़ेंगे उसके बाद रोटी बनाते हैं। आज ना मेरे हस्बैंड भी लेट गए तो उनको खाना ही खिला के भेज दिए, प्रॉपर खाना बन गया मेरा, और कपड़े भी सूख गए मेरे, बस उन लोग का वेट कर रहे, वो लोग आए तो फिर सब खाएँ मिलजुल के, क्योंकि अभी मेरा हम तो दो रोटी खा लिए थे क्योंकि मेरे को भूख कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, कभी कभी खा हो जाता है, बट कोई नहीं। देखिए यहाँ बालकनी में मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, मेरे को प्लांट्स में पानी भी डालने हैं, लेकिन ये कल के जो फोल्ड करने वाले कपड़े ना ऐसे पड़े हुए हैं कल के, कल हम वहाँ चले गए थे तो उठा के हम रख के चले गए थे, हम लोग बाद में आएंगे तो फोल्ड करेंगे, लेकिन लेट हो गया आने में, 11 जितना बज गया था, तो फिर हम बोले कि चलो अभी सो जाते हैं और बाद में हम कल फोल्ड करेंगे। तो अभी ये लोग आए नहीं हैं, मेरे जो फैमिलीज हैं सब आने वाले हैं, तब तक हम ये काम निपटा देते, फिर वो आएंगे तो फिर गप्पा उप्पा में रह जाता है, काम इतने दिन बाद मिलते हैं तो फिर गप ही होता है और कुछ होता नहीं है काम, तो सब हम काम निपटा लिए हैं। अब ये लोग आएंगे ना तो गरम गरम रोटी, पराठा, पूड़ी जो बोलेंगे वो बना देंगे, और फ्राइम्स, पापड़ छान देंगे, बाकी तो सब मेरा दाल चावल, मतलब जीरा राइस, तड़का दाल, सब्जी, मिक्स सब्जी, ये बना दिए हैं। रात को तो रात का देखेंगे, रात में हम लोग क्या करने वाले, बाहर जाने वाले हैं कि बाहर से टेक अवे मंगा लेंगे, जो भी मंगाना होगा, सब्जी वगैरह, और फिर हम लोग पूड़ी, रोटी, पराठा जो घर में बनाना हो वो बना लेंगे, सफिशेंट जो अच्छा लगेगा मिलजुल के कर लेंगे। चलिए हम ये कपड़े फोल्ड कर लेते, जब तक वो लोग आते हैं तब तक मेरा आधा काम निपट जाएगा, फिर क्या ना, फिर हो नहीं पाता है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे मेरी भतीजी के, तो इसलिए चलिए मिलते हैं ये काम निपटा के। पैर छुओ, पैर छुओ
अपनी दीदी का पैर छुओ। इतने दूर से दीदी आई है, पैर छुओ जल्दी से। दूर से छू लेना। दूर नहीं, वो बना बन ही रहा है। ये मिली है मेरे दमाद से। ये सही में बहुत डेंजर आदमी है। और मेरे को एक्सेल बोला, मेरे को लग ही रहा था कि चाचा है ना अपने रिकॉर्डिंग कर रही है। ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल कैरेक्टर। देखो ये बच्चे हैं हमारे, जिसने मामा को दे दिया है कैरी करने को 3-3 बास्केट। ढो मामा ढो। चलो बिलिंग कराएंगे, इसका काम हो गया। बेल्ट नहीं है। चलो डीमार्ट से निकले, निकले डीमार्ट से। डीमार्ट के बाहर आइसक्रीम खाते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, नोज भी लगा के खा रही है आइसक्रीम है। चलो अब घर चले। चलिए फ्रेंड्स, मेरे भतीजी और उनके हस्बैंड फैमिली चले गए। लेते हैं आपको भी लेते हैं। वो लोग चले गए, अभी हम लोग बाहर खाने गए थे, डोसा खा के आए यहाँ में। बहुत अच्छा डोसा वाला है जहाँ से हम खाते हैं, मद्रासी डोसा वाला है। खाए उसके बाद फिर अपने सुबह दोपहर में खाना वाना, ये लोग आए तो खाना वाना खा के फिर हम लोग चले गए डीमार्ट। डीमार्ट से फिर चले गए महावीर नमकीन शॉप, मतलब यहाँ का फेमस है सूरत का, बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी का नाश्ता रखता है। वहाँ गए, वहाँ से आए, फिर चाय वाय पिए, फिर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए तब तक। फिर हम लोग फिर डोसा, मेरे जो दामाद है उनको, मतलब मेरे भतीजी के हस्बैंड, उनको डोसा खाने का इच्छा था कि वहाँ जहाँ हम लोग एक बार पहली बार खिलाए थे उनको वहीं खाना था, तो फिर हम लोग वहीं सब चले गए खाने के लिए। फिर वहाँ से आए, फिर बाहरों बाहर वो लोग हम लोग को ड्रॉप करके चले गए। वो कार आए थे, कार लेके, तो उन्हीं की कार में हम लोग चले गए। फिर वहाँ से आए ड्रॉप करके, फिर वो लोग चले गए। तो अभी हम जा रहे, अब चेंज करें। मेरा तो खा के अब मन कर अब सो जाए। लगता है गले तक खा लिया है, अब मन कर अब सो जाए, पकड़े बिस्तर और सो जाए। जा रहे, अभी पहले हम गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद जाएंगे सोने। चलिए ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम लिटरली बहुत थक गए हैं। आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा। और एक बात, जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल।